तो भाई अगर आप रेडबुल का सिम यूज करते हो तो आपके लिए दो गुड न्यूज है। तो हेलो दोस्तों, ओरिजिनल टेक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, रेडबुल सिम से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने बनाया है, सभी वीडियो में एक ही कमेंट बार बार देखने को मिला है। हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि भाई रेडबुल सिम से इंटरनेशनल रिचार्ज करने का कोड बताओ। तो फाइनली दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपके लिए गुड न्यूज है। अब आप रेडबुल सिम से अपने मुल्क के मोबाइल में नेट पैक और रिचार्ज कर सकते हो, यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यानी किसी भी कंट्री का मोबाइल हो उसमें नेट पैक और रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले दोस्त, मैं आपको इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा गुड न्यूज बताऊंगा। तो दोस्त, साइड में आप देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दिया है। तो चलिए जानते हैं रेडबुल सिम से इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका। तो सबसे पहले दोस्त, आपको अपने मोबाइल का मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओके दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल का मैसेज वाला ऐप ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ नीचे साइड में लिखा है स्टार्ट चैट, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऊपर साइड में देखिए लिखा है टू, तो यहाँ पे आपको लिखना है 952। आप ध्यान से देख लीजिएगा 952। उसके बाद नीचे लिखा है सेंड टू 952, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ मैसेज में लिखना है 401, यानी 401। आप ध्यान से देख लीजिएगा, भूलना नहीं है आपको। ओके दोस्त, अब आप नीचे यहाँ पे लिखा है यस मस, तो इस पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देना है। ओके दोस्त, मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों आपके पास एक मैसेज आएगा। आप थोड़ा सा वेट करो, मैसेज आ जाने दो, उसके बाद मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए दोस्त, इस तरह का मैसेज आ चुका है। तो अब यहां पे देख सकते हो बहुत सारे कंट्री आ जाएंगे। आप जिस कंट्री में ट्रांसफर करना चाहते हो उस कंट्री का पहले कोड डालना है। मोबाइल नंबर डालने से पहले कंट्री का कोड डालना है। एग्जांपल तौर पर यहाँ देखिए इंडिया का है +91। तो अगर आप इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज में आपको सबसे पहले लिखना है +91, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। यानी जिस भी कंट्री में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंट्री का कोड डालना है। उसके बाद चलिए फटाफट मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, आप थोड़ा सा वेट करो। तो दोस्त, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब फिर से यहाँ पे लिखा है एसएमएस, तो उस पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देना है। मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके पास कुछ अलग इंटरफेस आएगा। आप थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद मैं आपको फिर से आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ गया। पहले नंबर पे है एयर टाइम और दूसरे नंबर पे है डाटा और तीसरे नंबर पे है बंडल। तो आप अगर नेट पैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से मैसेज में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है
3। ओके दोस्त, क्योंकि बंडल के सामने 3 नंबर है तो आपको मैसेज में लिखना है 3। फिर आपको यहाँ SMS पे क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देना है। मैसेज सेंड करने के बाद दोस्त आप फिर से थोड़ा सा वेट करो तो आपके पास एक अलग इंटरफेस आएगा, एक अलग मैसेज आएगा। आप थोड़ा सा वेट करो, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है पैक, यूनिटेड पैक, यूनिटेड पैक, यूनिटेड पैक, और पांचवें नंबर पर है 1.5 GB डेली का, जो कि आपको 37 रियाल 15 हलाला में पड़ जाएगा। इसकी वैलिडिटी है 56 दिन की। अगर आप ये 5 नंबर वाला 1.5 GB डेली का करना चाहते हैं तो फिर से मैसेज में आपको लिखना है 5। ओके दोस्त, यहाँ पे लिखना है 5। आप जो करना चाहते हैं उसके सामने वाला नंबर आपको डालना है। 1.5 GB के सामने है 5 नंबर तो आपको यहाँ पे लिखना है 5। उसके बाद यहाँ SMS पे क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देना है। मैसेज को सेंड करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ अलग इंटरफेस आएगा, आप थोड़ा सा वेट करो। ओके दोस्त, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लिखा है यू वेयर सेंडिंग वोडाफोन इंडिया 1.5 GB डे डाटा 799 इंडिया 2, ये नंबर है। उसके बाद 37 रियाल सऊदी का है। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो फिर से आपको मैसेज में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे लिखना है 1। अगर आप भेजना चाहते हैं तो 1 लिख के सेंड कर देना है, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 0 लिख के सेंड कर देना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ तो फिर से यहाँ पे लिखा है SMS तो उस पर क्लिक करते ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए हम जानते हैं दूसरा गुड न्यूज़। दूसरा गुड न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप मजाजी 80 वाला प्लान अपने मोबाइल में एक्टिवेट करते हो, सिम में एक्टिवेट करते हो, तो आपको 32 रियाल का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे देखिए लिखा है सेव 32 SR एंड एंजॉय मजाजी तमानिन बेनिफिट फॉर ओनली 48 SR। दोस्तों ये 80 रियाल का प्लान है लेकिन आपको 48 रियाल ही देना होगा, 32 रियाल का डिस्काउंट चल रहा है इसमें।